हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कार्डियक मेडिसिंस के कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। कार्डियक मेडिसिंस में कौन कौन सी चीज़ें नुकसान कर सकती है, कौन कौन सी चीज़ों से पेशेंट को किस किस तरह के साइड इफ़ेक्ट्स या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, उस बारे में बात करेंगे। ये टॉपिक काफ़ी कंसर्निंग है क्योंकि काफ़ी लोग पूछते हैं, सर ये दवा दे रहे हैं इससे क्या नुकसान हो सकता है, क्या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में हमें बताइए। कई बार लोग पूरी लिस्ट निकाल के बैठ जाते हैं कि इसमें ये साइड इफ़ेक्ट्स हो सकता है, तो कौन सी चीज़ें हमारे लिए रेलेवेंट है, कौन सी नॉन रेलेवेंट है, उस बारे में बात करेंगे। क्योंकि कई बार क्या है, कोई छोटी छोटी चीज़ है, हर दवा की 50 साइड इफ़ेक्ट किताबों में लिखी होती है, लेकिन उसमें से रेलेवेंट कौन सी है ये समझना भी हमारे लिए ज़रूरी होता है। क्योंकि हम नहीं तो हर साइड इफ़ेक्ट जो किताब में दिखा है उसको अगर इंपॉर्टेंट मानने लग जाएंगे तो फिर मैनेज करना कई बार बड़ा मुश्किल हो जाता है। डॉक्टर के लिए प्रिस्क्राइब करना और पेशेंट्स के लिए दवा लेना, दोनों ही मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आज बात करेंगे कौन कौन से दवाओं के कौन कौन से कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं और किन चीज़ों के बारे में पेशेंट को ध्यान रखने की ज़रूरत है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट मेडिसिन में आती हैं बीटा ब्लॉकर्स। बीटा ब्लॉकर्स बेसिकली एक ब्लड प्रेशर की मेडिसिन है जो कि हार्ट पेशेंट्स में पंप फंक्शन को सुधारने के लिए, धबकारे की अनियमितता को कम करने के लिए और हार्ट रिलेटेड बहुत सारी बीमारियों के निवारण के लिए दिया जाता है। इनफैक्ट ज़्यादातर हार्ट कार्डिक पेशेंट्स में बीटा ब्लॉकर्स होता ही है। इसमें कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स में लोगों को थोड़ा कमजोरी हो सकती है, चक्कर हो सकता है, हाथ पांव ठंडे हो सकते हैं, डिप्रेशन हो सकता है, कुछ साइकोलॉजिकल साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं, सांस फूल सकती है, हृदय की गति थोड़ी कम हो सकती है। मेल पेशेंट्स में अगर नॉन कार्डियोसिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स अगर लेते हैं तो सेक्सुअल डिस्फंक्शन यानी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो सकता है, यानी कि इम्पोर्टेंस एक तरह से हो सकता है। और अगर किसी पेशेंट को एस्थमा का प्रॉब्लम है तो एस्थमा बिगड़ सकता है। किसी पेशेंट को ऑलरेडी अगर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है तो डिप्रेशन उसमें बढ़ सकता है। किसी किसी को थोड़ा हेलुसिनेशन हो सकते हैं। इसमें से बीपी कम होना, हृदय की गति कम होना, किसी किसी को एस्थमा का बढ़ जाना या किसी किसी को इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होना, ये थोड़े कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं। हालांकि वो भी कार्डियोसिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स के साथ उतने ज़्यादा कॉमन नहीं है, तो इसलिए इसके लिए उतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। पर अगर हाँ ये साइड इफ़ेक्ट्स आपको होते हैं तो आपको डॉक्टर को सूचित करना ज़रूरी है। नेक्स्ट है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स यानी कि एमलोडिपिन, निफेडिपिन, वेरापामिल, डिल्टाएजम, ये सारी ब्लॉक मेडिसिन जो आती है, सिलनेडिपिन वगैरह, ये सारे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स होते हैं। बेसिकली ब्लड प्रेशर के लिए दिया जाता है। इसमें वेरापामिल और डिल्टाएजम को हृदय की गति के प्रॉब्लम्स के लिए भी दिया जाता है। ये हृदय की नलियों को थोड़ा डायलेट करते हैं और हार्ट को रिलैक्स करते, इस तरह से काम करते हैं। इसके साइड इफ़ेक्ट्स में लोगों को चक्कर आ सकता है, हाथ पाँव में थोड़ा सूजन आ सकती है, चेहरे पर भी सूजन आ सकती है, जो कि खासकर एमलोडिपिन और निफेडिपिन में ज़्यादा देखने को मिलता है, सिलनेडिपिन में कंपेरेटिवली थोड़ा कम है। और थोड़े न्यूर कंजीनियर्स है जैसे बेनेडिपिन है, उसमें भी थोड़ा सा कम है। इसके अलावा किसी किसी को कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, यानी मोशन पास करने में दिक्कत हो सकती है, स्टूल हार्ड हो सकता है और नॉजिया यानी थोड़ा उल्टी जैसा सेंसेशन किसी किसी को हो सकता है। इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि क्योंकि ये ब्लड प्रेशर कम करने की दवा है तो थोड़ा बीपी कम कर सकती है, उससे आपको चक्कर हो सकते हैं। हालांकि ये गति हृदय की कम करती है लेकिन फिर भी किसी किसी को गति महसूस हो, ऐसा हो सकता है। और किसी किसी का अगर ऑलरेडी हार्ट का फेलियर बहुत ज़्यादा ख़राब है तो हार्ट फेलियर हो सकता है। पानी भरना, पाँव में सूजन होना, ये सबसे इंपॉर्टेंट साइड इफ़ेक्ट है जो ज़्यादातर एमलोडिपिन निफेडिपिन में देखने को मिलता है। तो अगर ये आपको हो रहा है तो डेफिनेटली आपको डॉक्टर से डिस्कस करने की ज़रूरत है, पूछने की ज़रूरत है, दवा को चेंज करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है एसी इनहिबिटर ग्रुप ऑफ मेडिसिन जैसे कि रामिप्रिल, एनारिप्रिल, कैप्टोप्रिल, पेंडोप्रिल। ये ज़्यादातर हार्ट फेलियर के लिए दी जाती है, पंप क्षमता को सुधारने के लिए दी जाती है, हार्ट फेलियर में बीपी को कम करने के लिए भी दी जाती है, मृत्यु दर को कम करने के लिए भी दी जाती है। इसके कॉमन साइड इफेक्ट में सूखी खांसी हो सकती है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट है, 100 में से 3 से 5% केस में होता है। किसे होगा हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, इसलिए ये जब दिया जाता है उसके बाद ही पता चलता है कि किसको हो रहा है। इसके अलावा इसमें आपको थोड़ा चक्कर हो सकता है, सरदर्द हो सकता है, कमजोरी हो सकती है, पेट थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है, स्किन में रैशेज हो सकते हैं, किसी किसी को मुंह के आसपास थोड़ा सूजन हो सकती है जिसे एंजियोडीमा बोलते हैं, लिप्स वगैरह कई बार स्वोलन हो जाते हैं जो कि काफ़ी रेयर प्रॉब्लम है पर जब होता है तो काफ़ी सीरियस होता है। उसे एंजियोडीमा बोलते हैं, 100 में 1-2% केसेज में होता है, 1-2 भी नहीं, आई थिंक उससे भी कम चांसेस है, less than 1% चांस है। इसके अलावा थोड़ा ब्लड प्रेशर को कम कर सकता है किसी को, वैसे तो ये किडनी को सुधारने के लिए दिया जाने वाला मेडिसिन है पर किसी किसी को थोड़ा सा अगर ऑलरेडी किडनी कॉम्प्रोमाइज है तो पोटेशियम लेवल्स बढ़ सकते हैं, मेटालिक टेस्ट मुंह में आ सकता है। इसमें इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट में सूखी खांसी है, इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट्स में लो ब्लड प्रेशर है और पोटेशियम बढ़ जाना ये साइड इफेक्ट्स है जिस पर आपको ध्यान देने और फोकस करने की ज़रूरत है। इसके अलावा एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स जो है वो कई बार हाई ब्लड प्रेशर और हार्ट फेलियर के पेशेंट्स को दिया जाता है। इसके साइड इफेक्ट्स में थोड़ा चक्कर आ सकता है, कमजोरी हो सकती है, सरदर्द हो सकता है, सुस्ती हो सकती है, पेट खराब हो सकता है, इसमें भी लो ब्लड प्रेशर हो सकता है और किडनी वाले प्रॉब्लम वाले पेशेंट्स में थोड़ा
पोटेशियम बढ़ सकता है। इसमें लो ब्लड प्रेशर होना, पोटेशियम बढ़ जाना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट्स है। और किडनी वाले पेशेंट में थोड़ा किडनी का प्रॉब्लम भी बढ़ सकता है, अगर सीवियर किडनी का ऑलरेडी प्रॉब्लम है पेशेंट को। तो ए सी इनहिबिटर ग्रुप के कंपेरिजन में इसमें सूखी खांसी का चांस कम है, हालांकि फिर भी 1% चांस इसमें भी है कि सूखी खांसी हो सकती है। इसके अलावा पेशाब बढ़ाने के लिए डायुरेटिक्स दवा दी जाती है, जो कि ज़्यादातर जिन लोगों को भी पानी भरा हो हार्ट फेलियर की वजह से उनको दी जाती है। थोड़े शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए दी जाती है, लंबे समय के लिए नहीं दी जाती है। इससे किसी किसी को थोड़ा सा यूरिन ज़्यादा हो सकता है, थोड़ा सा बॉडी डिहाइड्रेट हो सकती है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर लो हो सकता है, चक्कर कमजोरी वगैरह आ सकती है, मसल के क्रैम्प्स हो सकते हैं और वीकनेस हो सकते हैं। इसमें डिहाइड्रेशन होना, मसल क्रैम्प्स होना और वीकनेस होना, ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स है या साइड इफेक्ट्स है जिनका ध्यान रखने की ज़रूरत है। इसी ग्रुप की एक और मेडिसिन है एल्डेक्टोन, यानी मेलकोर्टिकॉइड रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। वो मेडिसिन हार्ट फेलियर में दी जाती है, बीपी कम करने के लिए भी दी जाती है। उसके साइड इफेक्ट्स में लोगों को पोटेशियम लेवल्स बढ़ जाता है, जो कि इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट है। और उसके अलावा मेल पेशेंट्स में निप्पल के पास स्वेलिंग और पेन हो सकता है, जिससे गायनेकोमास्टिया बोलते हैं। ये सिर्फ मेल पेशेंट्स में होता है, फीमेल पेशेंट में नहीं होता है। ऐसा होने का कारण ये है कि बॉडी का एस्ट्रोजन लेवल्स थोड़ा सा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से मेल्स के निप्पल में एस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से फीमेल ब्रेस्ट जैसे थोड़ी स्वेलिंग आ जाती है, जिससे पेन हो सकता है। तो गायनेकोमास्टिया एल्डेक्टोन का कॉमन साइड इफेक्ट है, तो उसे ध्यान रखने की जरूरत है। जो इसकी ग्रुप की दूसरी दवा है एप्लीरेनॉन, उसमें ये साइड इफेक्ट नहीं देखने को मिलता है। तो वो जब पेशेंट को एल्डेक्टोन से या स्पाइनल एल्डेक्टोन से साइड इफेक्ट होता है तो उसको एप्लीरेनॉन पर स्विच कर देते हैं। एप्लीरेनॉन पर डायरेक्टली इसलिए नहीं देते हैं क्योंकि वो थोड़ी कॉस्टली मेडिसिन है। इसके अलावा SGLT2 इनहिबिटर, यानी कि डेपाग्लिफ्लोजिन, एम्पाग्लिफ्लोजिन, ये ग्रुप की मेडिसिन हार्ट के डैमेज वाले पेशेंट्स और हार्ट के साथ अगर किडनी का डैमेज किसी को है तो उनमें ये दी जाती है। ये दवा ज़्यादातर वैसे तो साइड इफेक्ट्स नहीं करती, पर किसी किसी को थोड़ा कमजोरी, चक्कर वगैरह हो सकता है, बॉडी का शुगर लेवल कम हो सकता है, पर डेंजरस हाइपोग्लाइसीमिया या बहुत ज़्यादा शुगर लेवल्स का कम हो जाना इससे नहीं होगा। इसके अलावा इस दवा से किसी किसी को जब यूरिन में एक्सेसिव शुगर जाता है तो यूरिन में ट्रैक में इन्फेक्शन हो सकता है, पेशाब की जगह पे खुजली हो सकती है और कई बार फंगल इन्फेक्शन हो सकता है, जो कि 100 में से 3 से 5% केसेस में होता है, जिसमें दवा चेंज करने की या बंद करने की ज़रूरत पड़ सकती है। इसके अलावा खून पतला करने की एंटीप्लेटलेट दवा या एंटीकोएगुलेंट दवा से किसी किसी को थोड़ा ब्लीडिंग का साइड इफेक्ट्स हो सकता है। हमने ऑलरेडी एक साइड टॉपिक किया जिसमें ब्लीडिंग साइड इफेक्ट के बारे में बात की है। इससे किसी किसी को पेट खराब हो सकता है, हड्डियाँ थोड़ी कमज़ोर हो सकती हैं और चोट लगने पर ब्लीडिंग या स्किन में रिएक्शन के साथ ब्लीडिंग हो सकती है, ब्रूजिंग हो सकती है, तो ये इसका कॉमन साइड इफेक्ट है। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल कम करने की जो सैटिन मेडिसिन दी जाती है उसके कॉमन साइड इफेक्ट में मसल पेन, मसल में कमजोरी होना और डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स होना, लिवर पे थोड़ा डैमेज होना, ये साइड इफेक्ट्स में हो सकता है। किसी किसी पेशेंट में थोड़ा डायबिटीज़ का रिस्क भी इस दवा से बढ़ सकता है। हमने ऑलरेडी इस टॉपिक पर एक सेपरेट वीडियो किया, जो कि आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। इसके अलावा अमियोड्रॉन, जो कॉमन मेडिसिन धपकारे की प्रॉब्लम के लिए दी जाती है, उससे किसी किसी को थायराइड का प्रॉब्लम हो सकता है, लंबे समय पर देने में कॉर्निया में डिपॉजिट्स होना और लंग का डैमेज होना, ये हो सकता है। ये इस दवा के थोड़े कॉमन साइड इफेक्ट्स हैं। तो आज हमने हार्ट की सबसे कॉमन मेडिसिन जो हार्ट पेशेंट्स को दी जाती है उनके कॉमन साइड इफेक्ट्स पर बात करी। इसके अलावा भी बहुत सारी मेडिसिन है, पर ऑब्वियसली हम इसको लंबा नहीं करना चाहते थे। कार्डिक मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स पर हमने ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो किया है, कार्डिक मेडिसिन में हर मेडिसिन पर हमने एक डिटेल वीडियो किया, जो कि अपने चैनल पर देख सकते हैं, तो उनके डिटेल्स पर आज नहीं जाएंगे। यदि इस टॉपिक को संबंधित आपकी कोई कमेंट्स, क्वेरी, सजेशन है, कोई और टॉपिक्स पर आप चाहते हैं वीडियोस बनाए, कोई पेशेंट रिलेटेड क्वेरीज है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में उनके बारे में बताइए, हम उन्हें कवर करने का प्रयास करेंगे। अंत में मैं डॉक्टर नवीन अग्रवाल तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने इस टॉपिक को एंड तक देखा। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसा करने से चैनल को कंटिन्यू करने के लिए हमें मोटिवेशन और इंस्पिरेशन मिलती है और जब भी हम कोई नया कंटेंट अपलोड करते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाता है। जो भी लोग हमारे चैनल पर बहुत डिटेल वीडियोस नहीं देखना चाहते उनके लिए रेगुलर बेस पे हम यूट्यूब शॉर्ट्स अपलोड कर रहे हैं, जिसमें सारे टॉपिक का ब्रीफ समरी हम आपको शॉर्ट वीडियोस के फॉर्म में देते हैं। जिस ये सारे शॉर्ट्स को हम फेसबुक और इंस्टाग्राम में रील्स के फॉर्म में भी अपलोड कर रहे हैं, तो आप वहाँ पर भी इसे देख सकते हैं। फ्रेंड्स, फैमिली और सोशल मीडिया ग्रुप्स में इन्हें शेयर भी कर सकते हैं। जो लोग हमारे चैनल पर बहुत टॉपिक्स ढूंढने में जिन्हें दिक्कत आती है उनके लिए सारे टॉपिक को चैनल्स को हमने प्लेलिस्ट में डिवाइड किया है। बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, इस तरह से टॉपिक वाइज हमने प्लेलिस्ट बनाए हैं। प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दे रहा हूँ। आप स्पेसिफिक प्लेलिस्ट में जिसमें आपको इंटरेस्ट है वहाँ क्लिक करेंगे तो आपको रेलेवेंट कंटेंट मिलेगा, यूजफुल कंटेंट मिलेगा, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा, ज़्यादा ढूंढने का प्रॉब्लम नहीं होगा।